हेलो सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं खुश महक जो स्वागत करती हूँ अपने चैनल आंगले पंजाब के उपर। तो उम्मीद कर दें कि सारे ठीक ही होवोंगे। सो अज की वीडियो सब तो पहला तो आप सीखांगे जी किस तरह आप जो सिल्क के कपड़े होंगे ने या फिर कोई ज्यादा महंगे कपड़े होंगे उन्होंने घर ड्राई क्लीन कर सकते हैं ताकि उन्होंने जो साइज है वो श्रिंक ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता भी आप न्यू कपड़े लियाने है ना तो उन्होंने उवे स्टिच कर लेने या फिर किसी तो भी स्टिच करवा लेने बट उन्होंने सब तो पहला अपन ड्राई क्लीन करवाना पैदा ताकि वो जो कपड़ा श्रिंक ना हो साइज घट ना जाए। सो ओद अज आप प्रोसैस सीखांगे कि किस तरह आप घर ड्राई क्लीन कर सकते हैं बाहरों करवाने। सो आप अद्धी वीडियो का पार्ट है जो ड्राई क्लीन के उपर आ उस तो बाद जी एक होर पार्ट है तुसी वीडियो दे विच देख लियो। सो आप हुण वीडियो स्टार्ट कर दे आ। हेलो सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दी चैनल दे विच आपां दिखावांगे सिल्क दा सूट ते क्रेप दे सूट दी किदां ड्राई क्लीन तो बिना धुलाई कीती जांदी आ। सब तो पहला तो सूट नु आपां नु स्टिचिंग तो पहला ही धुलाई कर किरा इहनू वाश कर लेना चाहीदा क्योंकि जिन्ना भी श्रिंक होना हो जाऊगा पहला उस तो बाद फिर अपने कमीज दे विच कोई भी डिफरेंट नहीं आऊगा नहीं तो जो उच्चा हो जाए फिर पाउन जी नहीं करता। यह हैगी क्रेव यह आप लैके आंदी 800 का सूट जन की वैसे 2 मीटर कपड़ा ही है कमीज का 800 का 5 मीटर सूट है। तो इनू आप सिलाई करने तो पहले ही इन्हू एक बार मैं वॉश करूंगी भी जिन्ना कि शिंक होना हो जाऊगा। इन मैं बिनके लैके आई हूं पूरा 2 मीटर है इन सब तो पहला हम आप पावांगे नमक। ये नमक आप इस चीज वास्ते पाउणा कि इहदा रंग ना खराब होवे पक्का रहे ते जे नमक नहीं पाउणा ते इहदे विच आप फटकड़ी भी पा सकते हैं। ते ये हैगा जी मिठा सोडा यानी कि खाण वाला सोडा 1 चमच इहदे विच पावांगे। इहदे विच तुसीं शैंपू वगैरा भी पा सकते हो जिहड़ा पाउणा ते पर मैं हमेशा ही ड्राई क्लीन वाले कपड़े वास्ते रीठा पाउडर लेके आउनी हां ए वाला है। मैं सारे कपड़े इहदे नाल जिन्ने भी महंगे तो महंगा सूट आ वैसे तो लास्ट मेरा 2000 दा सूट होगा इस तो महंगा मेरे कोल कोई भी सूट नहीं होना ते वो भी मैं आपदी कैश तो बनाउंदी नहीं 2000 दा सूट। ते ये सारे मैं सूट इहदे विच ही धोनी आ इहदे विच एक वाइंड भी कदे मेरा सूट नहीं शिंक होया। यह है रीठा पाउडर आम ही अपन सारिया दुकान तो मिल जाता 75 रुपए का पैकेट है। यह पिछले साल का पिया हो सकता है इस साल का रेट का मैं नहीं पता। यह पाऊंगी मैं 1 चमचा इनू आप 20 मिनट वास्ते ढो के रखेंगे। इस तरह ही है ये बाहर का कपड़ा है इनू मैं अलग पाऊंगी ता करके क्योंकि कलर का नहीं पता थोड़ा जा फेट हो सकता क्योंकि पहला मैं धोता सी इहदा कलर लै रहा सी। इसे तरह ही इनू ये पावांगे वही इहदे विच सर्फ पाउडर रीठा पाउडर
दूसरी बार कलर हेठा बॉर्डर ना ही आप धो सकते हैं। ये ना मैं पहला लाइनिंग तो धोली थी, मैं सलवार वाला कपड़ा धोना भुल गई, वैसे फिर मैं थोड़ा जा एक इंच बड़ी रख ली थी करके नमक वगैरा मैं पाउन लगी नी। दूसरी बार कले रीठा बॉर्डर के नाल ही आप धो सकते हैं। जो भी आप सूट के उपर किसी महंगे सूट उपर लाइनिंग लाने ना तो एक कंजूसी ना करा करो मेरी भेनों की, घटो घट 50 रुपए मीटर वाली लाइनिंग लेके आया करो जिहड़ी कि फुल वैल है। एक दूसरी वैल आउंदी वो वैल ना लेके आया करो, वो ना बहुत ही ज्यादा छिंक हुंदी है, तदा करके बाद ना सिलाई किया हुआ सूट सारा बेकार हो जाता क्योंकि वह कट्ठी हो जाती रही है। तो हमेशा सूट के थले लाइनिंग 50 रुपए की लाया करो फुल वैल कह के, जिहड़ी कि पग्गां वाली फुल वैल आउंदी है वधिया प्योर च, क्योंकि जो आप सूट ते 2500-2600 3000 ला दें तो फिर अपनी लाइनिंग पिछे कंजूसी नहीं करनी चाहती, 275 रुपए की आजगी। 5.5 मीटर हमेशा लाइनिंग लो, जी 5 मीटर सूट लिया था आप हम इन आप 10 मिनट बाद कढ़ा गे। इन कदे भी वाशिंग मशीन सुखाना नहीं है, इन्हू इसे तरह ही निचोड़ के पाना है, बस थोड़ा जा पानी घट करना ए। लो जी इन हो गए 10 मिनट ज्यादा ही हो गए, घटो घट 20-25 मिनट हो गए, तो हम आप कढ़ देंगे बाहर मार के इस तरह होके पानी से कढ़ के, इस तरह ही सुकने पाने वाशिंग मशीन च नहीं सुखाने। थोड़ा जहा सलवार का रंग निकलिया हो सकता है दोबारा लाइनिंग का माड़ा मोटा निकलिया हो, पर तली के बाद बिलकुल नहीं लगता, बाल्टी च थोड़ा जहा लगता हल्का जहा, बस इस तरह ही रहूगा। फटकड़ी भी तुम पा सकते हैं, फटकड़ी ना होर भी ज्यादा पक्का रंग हो जाता है।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਬਾਏ।